हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से 9x16 वाला रेस सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से एडिटिंग पे क्लिक करना है और इसे फिल स्क्रीन कर लेना है। ऊपर टाइमिंग में आपको इसे 3.7 सेकेंड पर सेट कर लेना है। क्रॉस पे क्लिक करके आपको इसे बंद कर देना है। अब आपको यहाँ से अपना एक फ़ोटो ऐड कर लेना है। फोटो ऐड करने के बाद में क्रॉस पे क्लिक करके इसे बंद कर देना है। अब आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आना है और यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ से मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से इमेज वाले आइकन पर क्लिक करना है और एक ब्लैक इमेजेस में ऐड कर लेना है। ब्लैक इमेज लेने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से फुल साइज पे रख लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ से फिर से बैक लेना है। अब आपको यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन पे क्लिक करना है और इसे फ्लिकर पे सेट कर लेना है। राइट पे क्लिक करके आपको इसे बंद कर देना है। अब आपको वीडियो के एंड पोजिशन में आना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है और अपना एक फ़ोटो फिर से इसमें एडिट कर लेना है। फोटो लेने के बाद में क्रॉस पे क्लिक करके आपको इसे बंद कर देना है। इसके बाद में आपको सेकंड वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक ग्राफिक्स पे क्लिक करना है और इसमें एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट आपको इसमें ऐड कर लेना है, एक नंबर वाला। ये इफेक्ट पहले से आपको काइन मास्टर में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने बिटसाइन ऐप से इसमें ऐड किया है। तो आप प्ले स्टोर से बिटसाइन ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप आसानी से इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला इफेक्ट इसमें ऐड कर लेना है और आपको इसका ड्यूरेशन कम कर देना है यहाँ पे इफेक्ट का, और राइट पे क्लिक करके आपको इसे बंद कर देना है। अब आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और इसमें ऑडियो साउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है और ये वीडियो इसमें ऐड कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। वीडियो लेने के बाद में आपको इधर नीचे आना है, यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है, जिससे कि वीडियो का ऑडियो बाहर निकल जाएगा। अब आपको यहाँ से ये वीडियो डिलीट कर देना है। अब आपको फिर से यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है और एक बॉर्डर पीएनजी फ्रेम इसमें ऐड कर लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। बॉर्डर पी एन जी फ्रेम लेने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे फुल साइज पर रख लेना है और इसका ड्यूरेशन वीडियोस के बराबर बढ़ा लेना है और राइट पे क्लिक करके आपको इसे बंद कर देना है। अब हमारा वीडियो कंप्लीट है, मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। नाइस। तो इसी तरह आप वीडियो बना सकते हो। अब आपको इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।